विश्वास ही नहीं हो रहा शारदा। हम सबका विश्वास तोड़ के चले गए। ये तो जैसे बदल ही गए, पत्थर रख लिया इन्होंने दिल पे। कहते हैं कि इस घर में पूजा का कोई नाम नहीं लेगा, पर मैं इस दिल का क्या करूं उषा, जो चीख चीख कर उसे पुकारता है, लेकिन मेरी चीख तो अपने दिल की चार दीवारियों में ही गूंज के रह जाती है, उस तक पहुंचती नहीं। तो चल बैठ। आजा चल, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, देखना। नहीं उषा, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक माँ के लिए सबसे बड़ी बदनसीबी यही होती है कि उसका बच्चा उसके सामने मर जाए। मेरी भी कुछ ऐसी हालत है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। पूजा आज की जनरेशन की लड़की है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही जाता है, देखना वो वापस आ जाएगी। कहती वापस आएगी तो अपने शर्तों पर, जिसे ये कभी नहीं मानेंगे। मैं इन्हें कहूंगी मलिक साहब को समझाए कि इतना गुस्सा और जिद अच्छी बात नहीं है। ये पूजा को भी समझाएंगे, तुझे तो पता है इनका समझाने का तरीका अलग है। हंसते हंसते सब कह देते हैं। मैं उन्हें अभी भेजती हूँ पूजा के पास, वो उसे जरूर वापस लेके आएंगे, देखना। तो वो मिलेगी तब ना, वो तो राज के साथ सिंगापुर चली गई है।